हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा आईटेल S24 फ़ोन है, तो आईटेल S24 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने आईटेल फ़ोन में आप ऐप्स वगैरह को अनहाइड कैसे कर सकते हैं और ऐप्स को अनहाइड कैसे कर पाएंगे आईटेल S24 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि कैसे आईटेल फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर ऐप्स को अनहाइड कैसे कर सकते हैं आईटेल फ़ोन में, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आप देखते हैं आइकन शो हो रहे हैं, जिसमें से सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर ऐप्स वगैरह को आप कैसे अनहाइड कर सकते हैं अपने आईटेल फ़ोन में, सिंपली देख सकते हैं कि सेटिंग शो हो रही है, शो हो रही है, जिसमें से आपको सिक्योरिटी पे जाना है। सिक्योरिटी पे जाकर ऐप्स को अनहाइड करना है तो बैक करना है, क्योंकि आपको सीधा स्क्रीन पे प्रेस करना है। प्रेस करते ही मेन्यू पे जाना है, मेन्यू सेटिंग्स आ जाएगी, जहाँ से ऐप्स को सेलेक्ट करके आप अनहाइड कर सकते हैं। सिंपली बस पे टैप करना है, टैप करते ही आपके पास ये एक साइड ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जहाँ से हिडन ऐप्स पे जाना है। जिस भी ऐप्स को अनहाइड करना है पहले सेलेक्ट करना है, एक्सपोर्ट कर देना है, और एक्सपोर्ट करते ही आपके स्क्रीन पर अनहाइड हो जाएंगे। देखते हैं ऐप, इस तरीके से कुछ ऐप्स को सेलेक्ट कर लेना है, अनहाइड एक्सपोर्ट कर देना है इस तरीके से। तो जब तुमने कुछ ऐप्स को एक्सपोर्ट कर दिया तो आपके स्क्रीन पे शो कर जाएंगे ऐप्स। जैसे हम बैक करते हैं, बैक करते हैं यहाँ पर शो करेंगे, देखते हैं आपका एमएक्स प्लेयर, फेसबुक, अदर्स ऐप्स जो भी अनहाइड हो चुके हैं और स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से ऐप्स को अनहाइड कर सकते हैं अपने आईटेल S24 फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें।